अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फातमास किचन। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डिज़र्ट। तो बहुत ही मज़ेदार डिश होती है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डिज़र्ट बनाने के लिए हमें एक पैन चाहिए और पैन के अंदर हम 2 कप दूध डालेंगे। ये देखें, 2 कप हमने इसमें दूध डाल दिया है और इसको हम थोड़ा बॉयल होने देंगे। देखिए दूध बॉयल हो रहा है, हमने 4 टेबल स्पून पाउडर मिल्क लिया है, इसको भी हम मिक्स करके और इसी में मिला देंगे। तो ये देखिए दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसी में ही जो हमने पाउडर मिल्क को मिक्स किया है पानी में, ये मिला देते हैं। ये पाउडर मिल्क मिलाने से ये होता है कि जब हम कोई भी डिज़र्ट कोई भी मीठा बना रहे होते हैं तो बहुत अच्छी तरह से जमता और बहुत अच्छा बनता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप थोड़ा सा उसमें मिला दिया करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इससे हमारा जो मीठा बना रहे होते हैं हम वो तैयार होता है। छोटी छोटी टिप्स से अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी चीज़ें कमर्शियल स्टाइल से रेडी होती हैं। अब इसके अंदर हम 1/2 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। शुगर आपको अगर ज़रूरत हो तो इसमें डालें, वरना कंडेंस मिल्क भी अच्छा खासा मीठा होता है। तो मैंने सिर्फ इसमें कंडेंस मिल्क ही यूज़ किया है, शुगर नहीं। तो इसमें ज़रा बॉयल आ जाए तो फिर हम इसमें कस्टर्ड पाउडर भी मिक्स करते हैं। जब तक इसमें बॉयल आ रहा है, मेरे पास 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर है, ये स्ट्रॉबेरी का है, इसको मैं ठंडे दूध में घोल लेती हूँ, फिर हम इसमें मिक्स करेंगे इसको। तो ये देखें दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है, अब मैं इसमें कस्टर्ड डालती हूँ जिसको मैंने दूध में घोल लिया था, कस्टर्ड पाउडर को आस्ता आस्ता डाल के इसको चलाते रहना चाहिए ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स ना बने। तो इसको हम इस तरह से चलाएंगे, 10 से 15 मिनट इसको हम पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। देखिए ये कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखें मैंने सादा केक लिया है, तो इसमें हम सेटिंग करते हैं इसकी, इस तरह से हम इसको नीचे पूरा बिछा देंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से हमने इसमें सेट कर दिया है। हमने जो कस्टर्ड बनाया है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें हमने कस्टर्ड इस पर डाल दिया है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम जेली बनाते हैं। ये मेरे पास जेली है स्ट्रॉबेरी की, तो हम इसमें डालते हैं। और पैकेट है तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। 2 पैकेट मैंने इसमें जेली डाली है। इसमें हम गर्म पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखें ये जेली हमने गर्म पानी में मिक्स कर ली थी, तो इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये अच्छी तरह से जम जाएगी, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जेली हमारी जम गई है, अब हम इसके इस तरह से पीसेस कर देंगे। देखिए निकल गई है आराम से, बहुत अच्छी तरह से जम गई है। इसके हमने एक तरफ पीसेस करके रख देते हैं और अब हम विप क्रीम को लेके इसके साथ ब्लेंड कर लेते हैं। हमने एक बाउल में विप क्रीम ली है, विप क्रीम को मैं ब्लेंड कर लूँगी इस तरह से करके अच्छी तरह से। ये देखें हमने इसको ब्लेंड कर लिया, ये हमें इसी फॉर्म में चाहिए। तो चले आए हम गार्निशिंग करते हैं उसकी। ये देखिए हमारे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं, इसको भी हम गार्निशिंग के लिए रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये हमारा कस्टर्ड इस पर जम गया है, अब हम इस पर विप क्रीम रखेंगे, विप क्रीम से इसको फैला देंगे, इसको पूरा एक लेयर बनाएंगे। इसी तरह से हमने देखिए ग्लास में ही बना के रखा है, इसमें भी हम इसकी सेटिंग करेंगे, इसको इस तरह से करके हम बिल्कुल सही से सेट कर लेंगे। ये देखिए हमने सेटिंग कर ली है इसकी, अब हमारे पास स्ट्रॉबेरी है। तो ये देखिए हमने इसको सेट कर लिया है, अब हमारे पास जो स्ट्रॉबेरी है उससे हम इस पे गार्निशिंग करते हैं। हमने इस पर फ्लावर बना दिए हैं, जगह जगह हम इसको ऐसे लगा देंगे।
तो ये देखें हमने स्ट्रॉबेरी इसमें सेट कर दी है। अब हमने जो जेली बनाई थी वो भी हम इसके सेंटर में सेट करते जाएंगे इस तरह से। देखिए हमने थोड़ी सी जेली का चूरा कर लिया है और इसको पूरा कवर कर देंगे हम इस तरह से करके। बहुत ज़बरदस्त हमारा स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट रेडी हो रहा है। तो फाइनली हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डिज़र्ट रेडी हो चुका है। तो ये देखें, और मैंने इस तरह से, आप कप भी बना सकते हैं, ये बच्चों को देने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो इस तरह से आप पार्टी डिज़र्ट के लिए इस तरह कप भी रेडी कर सकते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। हल्की फुल्की फैमिली पार्टीज में आप इस तरह अगर डिज़र्ट बना के बनाएं तो बहुत ही पसंद किया जाएगा। आपके जो गेस्ट होंगे वो बहुत ही आपकी तारीफ के बिना नहीं रह पाएंगे। और इस तरह के आप कब तैयार करें तो बच्चे और बड़े दोनों ही शौक से खाएंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाती है चीज़। तो चले अब मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप भी इस तरह अगर डिज़र्ट बना के अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह की खट्टी मीठी और मज़ेदार सी रेसिपियाँ मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now.